रावण चोरी हो। थोड़ा सा ट्रेवल और थोड़ी सी जलकी को और बढ़ाओ अपने अपने घर, क्योंकि भागवत है क्या। निगम कल्पतरोर गलितम, निगम कल्पतरोर गलितम, सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहु रसिकाभु विभावुक। क्योंकि निगम कहते हैं वेद से निकला हुआ ये भागवत रूपी परपक फल है, बहुत मीठा है। क्योंकि सुखदेव रूपी तोता की जिसमें चोंच लग गई तो बहुत मीठा बन गया। इसको रसास्वादन पीते ही रहना चाहिए। तब ऋषियों ने कहा कि महाराज हम रसास्वादन करना चाहते हैं, आप श्रवण कथा को करावें। ये भागवत किसने, परीक्षित जी ने श्रवण किया, सुखदेव भगवान ने श्रवण कराया, आद्योपांत का जन्म कैसे हुआ, और ये नैमिषारण्य क्षेत्र में ही भागवत को क्यों श्रवण कराया गया। महामतिम कथामृतरसास्वाद कुशल सौनिको यब्रवीत। क्योंकि नैमिषारण्य क्षेत्र में ही इस कथा को श्रवण कराया जा रहा है। या क्यों कराया गया, क्योंकि जहां भी ऋषि अपना यज्ञ या सत्संग करते हैं वहां देवताओं के कार्य में दैत्य आकर के विघ्न कर देते हैं। एक बार समस्त ऋषि मिलकर के पितामह ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि स्वामी जी कोई ऐसा स्थान बताएं जहां हमारा निर्विघ्न पूर्वक यज्ञ पूर्ण हो सके। इन्होंने विष्णु भगवान को स्तुति करते हुए आमंत्रित किया, तब विष्णु भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, पवित्र भूमि बना करके वही 88,000 ऋषि कथा को श्रवण कर रहे। ऋषियों ने कहा कि महाराज इस कथा को सुखदेव भगवान ने श्रवण कराया, आद्योपांत इनका जन्म कैसे हुआ। तब श्री सूत जी कहते कि ऋषियो सम्यप्राशयितं प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धनम्। एक बार सरस्वती नदी के किनारे व्यास आश्रम बना हुआ है, यहां से पहुंचोगे बद्रीनाथ धाम, और बद्रीनाथ धाम से थोड़ा सा आगे चलोगे तो व्यास गुफा, सरस्वती नदी के किनारे व्यास भगवान का आश्रम बना हुआ है। सुबह अग्निहोत्रशाला से निवृत्त होकर के, संध्या बंधन से निवृत्त होकर के व्यास भगवान बैठे हुए हैं। तब तक इनके पास में पुलहै, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्षः, अंग्रहः, समस्त ऋषियों ने जाकर के प्रणाम किया, स्वामी जी प्रणाम। व्यास भगवान ने खड़े होकर के सबका स्वागत किया, अभिनंदन समारोह किया, उचित आसन पर बैठाया, कंदमूल फल देकर के स्वागत किया और पूछा ऋषि आगमन कैसे हुआ।
समस्त ऋषियों ने हाथ जोड़ करके कहा कि स्वामी जी हम आपके समस्त साथ साथ के ही ऋषि हैं, हमने आपने मिलकर के दाम्पत्य युग में जोड़ा पैदा किया, माने विवाह संस्कार किया और सबने एक एक पुत्र को जन्म दे दिया। घर में एक पुत्र हो जाना उसकी गणना योगियों में आती है, लेकिन स्वामी जी आपने एक भी पुत्र को जन्म नहीं दिया है। हमारी जिज्ञासा है कि एक पुत्र उत्पत्ति आपके घर में होना परम आवश्यक है। हंस करके व्यास भगवान ने कहा, ओ ऋषि क्या कहते हो, पुत्र उत्पत्ति ये तो भगवान के भजन से विरक्त करना दूर करना है। माया मोह निराशस्य वैष्णवम कथते क्रिया, ये तो माया के आडंबर में डालने वाला है। तो मैं पता संसार में सुखी कौन है, अरे गरीब कहे धनबान सुखी, धनबान कहे सुख राजा को भारी, अरे राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन कहो, चतुरानन कहे सुख विष्णु कुमारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भक्त बिना सब जीव दुखारी। अरे सच्चा सुख तो भगवान के चरणों में है, परमात्मा की भक्ति में है। ऋषियों ने कहा कि महाराज अब मर्जी हमारी थी और मर्जी आपकी है। समस्त ऋषियों ने प्रणाम किया, वहां से निकल गए। व्यास भगवान को चिंता होने लगी कि अब मुझे पुत्र कैसे मिलेगा, मेरी तो वृद्धावस्था आ गई। लेकिन तब तक वहां कहीं से विचरण करते करते हरि बोल कहते हुए और ऋषि नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी को देख करके व्यास भगवान बोले, आइए स्वामी आइए, स्वागत है स्वागत है। लेकिन नारद जी ने देखा कि व्यास भगवान आपकी चिंता की लकीरें मत्थे पे दिख रही हैं, क्या कारण है, तुम्हें कौन सी चिंता बढ़ गई। तब कहा कि स्वामी जी अब तक तो इच्छा नहीं थी, लेकिन नारद जी अब मेरी इच्छा है कि मुझे एक बालक की प्राप्ति हो जाए। नारद जी ने कहा कि पुत्र की प्राप्ति, अपना पूर्वजन्म का वृतांत बताया, पुत्र प्राप्त करके क्या करोगे। व्यास ने कहा कि नहीं अब तो मुझे पुत्र चाहिए। नारद जी ने कहा कि आप पुराणों की रचना कर दो, पुराणों का विवेचन करोगे ध्रुव सत्य है, आपको पुत्र की उत्पत्ति हो जाएगी। नारद जी तो कहकर के निकल गए और व्यास भगवान ने ब्रह्म नद्या सरस्वत्वाम आश्रमम पश्चिमे तटे, वही सरस्वती नदी के किनारे बैठ करके और इन्होंने पुराणों को लिखना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले इन्होंने गणेश पुराण, और गणेश पुराण को क्यों लिखा, क्योंकि गणेश भगवान सर्वप्रथम पूजनीय है। दूसरे पुराण बोलने वाले लिखवाने वाले तो व्यास भगवान है, लेकिन लिखने वाला कौन है। तो व्यास ने गणेश जी से कहा, क्यों गणेश मैं को उद्यम करना चाहता हूं, आप इसमें सहायता करोगे। गणेश जी का अवश्य, क्या उद्यम करोगे कि मैं प्राण लिखना चाहता हूं, आप लिख दोगे। गणेश जी ने सोचा कि धर्म के काम में मना तो कौन कर सकता है, लेकिन मैं कब तक लिखता रहूंगा, कितने समय तक इनके पास में रहना पड़ेगा। मारा लिख तो दूंगा, लिखने की मेरी शर्त रहेगी। क्या शर्त है, शर्त यह है कि तुम कहीं बोलने से बंद हो जाओगे तो मेरी लेखनी बंद हो जाएगी, और एक बार मैंने कलम को बंद कर दिया तो मैं दूसरी बार हाथ में कलम नहीं उठाऊंगा। व्यास जी ने सोचा समस्या तो जटिल है, लेकिन दूसरा कोई लिखने वाला नहीं है। व्यास जी का तो ठीक है,
अब इन्होंने पुराण लिखना प्रारंभ किया और 100 श्लोक के बाद में कोट नीति का श्लोक बोलते। लिखिए गणेश जी, क्या लिखूं महाराज? संसार में ऐसा राजा होगा जिसका मुकुट जमीन से लेकर के आकाश तक लंबा होगा। गणेश जी ने कलम रख करके कहा कि ये तुम्हारा असत्य बात है और असत्य बात कभी शास्त्र में लिखी नहीं जाती है, शास्त्र की बात सभी सत्य होती हैं, तो इसको तो मैं नहीं लिखूंगा। व्यास जी का कैसे असत्य है? देखो ना, जिसका मुकुट जमीन से लेकर के आकाश तक लंबा होगा तो जिस राजा के सिर पर रखा जाएगा तो मुकुट के हिसाब से उस राजा का आकार कितना होगा। और कई इतनी लंबाई में राजा वो बन गया तो जमीन से आकाश तक तो मुकुट ही मुकुट है, फिर उसका आकार कहां बनेगा? ये तो असत्य है। वैश्य का असत्य नहीं, सत्य है, क्योंकि कलयुग में कोई भी राजा नहीं रहेगा। कलयुग में हर जीव मात्र ही स्वयं का राजा रहेगा। अयमान रूपी मुकुट इतना सिर पे रहेगा जो है सो मैं ही तो हूं, मेरी बराबरी पे कोई नहीं है। अहंकार रूपी मुकुट सिर पे रहेगा जिसका आकार जमीन से लेकर के आकाश तक रहेगा। गणेश प्राण, ब्रह्म ब्रह्म, वैवर्त प्राण, कोरम प्राण, बारह प्राण, अग्नि प्राण, पदम प्राण, लिंग प्राण, ब्रह्मांड प्राण, ब्रह्म प्राण, अग्नि प्राण, 17 प्राण रच करके तैयार कर दिए, लेकिन व्यास भगवान की यहां बालक की उत्पत्ति नहीं हुई। नर जी पुनः लौट करके आए। व्यास जी ने कहा महाराज, तुमने तो एक प्राण की चर्चा की और मैं तो 17 प्राणों को रच करके तैयार कर दिया, लेकिन मेरे यहां बालक की उत्पत्ति नहीं हुई। नारद जी ने कहा कि सब पुराणों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर के और 18 महापुराण की तुम रचना करोगे, ये द्रव सत्य है, तुम्हें बालक की उत्पत्ति हो जाएगी। 18 महापुराण रचना की तो इतने वेग से जैसे छोटी पुस्तक हो या बड़ी पुस्तक हो, पहली गणेश वंदना, गुरु वंदना, इष्ट वंदना मिलेगी, लेकिन भागवत का तो सबसे पहला श्लोक, इयम् प्रम्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनौ प्रेकात्रया जुहाव। क्योंकि पुत्र की बरह में भागवत लिखा जा रहा है तो पुत्र की ही व्याख्या को सबसे पहले यही श्लोक को लिख दिया और 17 प्राण रच करके तैयार हो गया। नारद जी ने सोचा इनको बालक कैसे मिलेगा, तो इंद्र के यहां से गताची नाम की अप्सरा को ला करके अमरावतीपुरी से मृतलोक में लाए। जब अमरावती से नीचे आओगे तो सबसे पहले आपको कौन मिलेगा? कैलाश पर्वत, जहां पर भगवान शिव का निवास रहता है। गृताची ने सोचा कि इस स्वरूप से तुम नहीं जा सकते, क्योंकि सुग्गी का तोते का स्वरूप बनाया, अपना गृताची अप्सरा का रूप हटाया और तोता बन करके वहां से आगे चली तो सबसे पहले मिलता है व्यास आश्रम, जहां व्यास भगवान निवास रहते हैं और सुबह पुत्र के गृह में अरंडी मंथन, आजकल तो अग्नि को माचिस की तीली से प्रकट किया जाता है, पहले लकड़ी से लकड़ी की घर्षण शक्ति करके अग्नि को प्रकट करते थे, तो अरंडी है, अरंडी की लकड़ी को घिस करके अग्नि प्रकट कर रहे हैं, तब तक गृताची का निकलना हो गया। व्यास भगवान की दिव्य दृष्टि पड़ी, दृष्टि पड़ने बात से ही तोते की गर्भ में बालक आ गया। 3 महीने तक तब वो विचरण करती रही, सोचा इस मृतलोक से निकल करके मैं अमरावतीपुरी के लिए चलूं। अमरावतीपुरी के लिए कैलाश पर्वत पे पहुंची, अपना स्वरूप बदला, अप्सरा का रूप रखा, सोचा मेरे गर्भ में तो 3 मास का बालक है। अरे कहीं इंद्र को पता चल गया तो इंद्र मेरा तिरस्कार कर देगा, तो उस गर्भ का खंडन किया, गर्भ को गिरा दिया,
अग्रताची अप्सरा का रोप रख करके अमरावतीपुरी के लिए चली गई। नारद जी ने सोचा यह तो व्यास भगवान का बालक होने वाला था और ये तो 3 मास का निर्जीव बन गया, अब इसको सजीव कैसे किया जाए? तो सजीव तो केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। तुरंत ही भगवान जी के पास में पहुंचे, पार्वती जी ने नारद जी को आते हुए देखकर के स्वागत किया, क्योंकि पार्वती जी के नारद जी गुरु हैं। अपने गुरुदेव भगवान के लिए आसन डाला, इनके पैर धुलवाए, चरणामृत पान किया, बिठा लेकर के अर्चना वंदना आरती की। तब तक तो नारद जी बोल पड़े, भोलेनाथ कहाँ हैं? भवानी जी बोली, महाराज 4 दिन हो गए, पता नहीं अभी लौट करके नहीं आए। नारद जी ने पूछा कि 4 दिन में इतनी आतुरता? हाँ स्वामी जी, यदि भोले दनाथ 1 से 8 दिन भी नहीं आए तभी तुम्हें चिंता भी नहीं होना चाहिए। क्यों? कि तुम जैसे भोलेनाथ के यहां 1 से 8 पत्नियां हैं और एक एक दिन निवास भी एक एक स्थान पर रहा तब भी तो तुम्हारे भवन का 1 से 8 दिन में ही तो नंबर आएगा ना। भवानी जी बोली, मारे ये क्या कहते हो? कहता नहीं हूं, बिल्कुल सच है। तो उनका निवास, मैं उनका निवास बताऊं, उनका नाम भी बताऊं। क्या नाम है, कहां रहती है? कहने लगी, सतनामं प्रवक्षामि स्वस्य कमलानले यस प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवे सती सती शाब्दी भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा त्रेतम शूलधारिणी विनाकधारिणी चित्रघंटा महातपा मनोबुद्धि रहंकार चितारूप सर्वमंत्र मई सत्या सत्यानंद स्वरूपिणी। 1 से 8 नाम बताए, यही तो उनका नाम है। और भोलेनाथ जहां चाहते हैं वहीं पत्नी प्राकट किया, भवन बना करके तैयार कर दिया, एक दिन निवास किया और उसको निर्बाल्य भी कर दिया। लेकिन प्रेम इतना है, पत्नियों के मंडों की माला सदैव अपने गले में पहना करती है, इतना बड़ा प्रेम है। और तुम्हें पता न समझो, असत भाषण समझ रही हो तो पूछ लेना कि गले में माला किसकी पहने हुए है। हरी बोल कहते नारद जी तो निकल गए। और जैसे ही भोलेनाथ आए तो न तो वो नंदी सर के लिए चारा है, न भोलेनाथ के लिए भंग है। काले वस्त्र पहन करके भवानी जी, आजकल तो जिस कोप भवन का निर्माण नहीं होता, पहले राजा महाराजाओं के यहां एक कोप भवन बनाया जाता था, पता चल जाता था कि आज जरूर कोई कारण बन गया। काले वस्त्रों को पहनते हुए देख करके आज भोलेनाथ कहने लगे, भोला भंग तुम्हारी। भवानी जी से कहा, से भवानी जी कहने लगी, महाराज अब मेरे हाथों से भंग नहीं मिल सकती। भोला भंग तुम्हारी, मैं तो घोटत घोट तुम्हारी। अरे भोला भंग तुम्हारी, मैं घोटत घोट तुम्हारी। अपना ही धोती जाए एक दिन आके रोज लगाती जाए। भोला भंग तुम्हारी, भंगत गौत हारी। भोला भंग तुम्हारी, भंगत गौत हारी। हमारे टूटे चार दिन से मैं ब्याह कर आई, भाग्य हमारे टूटे। ओ राम कसम ऐसा हो जाए सिलबट्टा जा टूटे जा टूटे जा टूटे। रोज रोज की घाटम घाटी, रोज रोज की घाटम घाटी, हमसे सही
रोजी रोज की अखड़ी भोला, रोजी रोज की अखड़ी भोला, हो रोजी रोज की अखड़ी भोला, रोजी रोज की अखड़ी भोला, हमसे सही न जाए एक दिना की हो तो वो रोज नगदी जाए बोलिए शंकर भगवान की जय। आज भगवान जी ने कहा कि मैं आपके भंग को नहीं तोड़ सकती। भोलेनाथ ने कहा ऐसा कारण क्या बन गया, कहीं नारद जी का आगमन तो नहीं हुआ? आए तो थे लेकिन क्या करके चले गए। नारद शब्द का अर्थ है नारम ददाति, नार कहते हैं ज्ञान को, जो संसार को ज्ञान प्रदान करे वो होता है नारद। लेकिन ये नारद क्या काम कर रहे हैं? तो महाराज मुझे ये बता दो आपके गली में ये माला किसकी पहने हुए हो? शंकर जी ने कहा कि भगवान जी ये कथा को मैं कहूंगा तो इसको सुनने वाला तो अजर अमर हो जाता है। भगवान जी ने कहा तो महाराज तुम तो बहुत ही कपटी हो, यह अमर कथा को तुमने सुन लिया है, कभी आपका आद नहीं होता, कभी आपका मध्य नहीं होता और कभी आपका अंत नहीं होता, कभी आप जन्म नहीं लेते, कभी आपका मरण नहीं होता। स्वामी जी मुझे तो बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मुझे मरना पड़ता है, तो यह कथा को तो मुझे भी सुना दीजिए। भोलेनाथ ने कहा कि इसको सुनने का उत्तराधिकारी होता है, कथा उसी को सुनाई जाती है जो उसको ग्रहण कर सके। स्वामी जी सभी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन मैं इस कथा को अवश्य सुनूंगी। भोलेनाथ ने आसन बिछवाया, स्वयं बागांबर खोल करके बैठ गए, नेत्र बंद किया और यही अमर कथा श्रीमद् भागवत की कथा को कहना प्रारंभ किया। लेकिन कथा कहते कहते और भोलेनाथ ध्यान मगन कथा कह रहे हैं, भवानी जी को निद्रा आ गई, क्योंकि पूर्वजन्म का कोई प्रायश्चित पाप होता है तो कथा सुनते समय निद्रा आ जाती है। क्योंकि जिस समय कुंभकर्ण जी को राम जी ने मारा तो निद्रा देवी राम जी के पास में पहुंची, स्वामी जी तुमने मेरे पति को मार दिया, ये तो 6 महीने तक सोता था, 1 दिन के लिए जागता था, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब मैं कहां जाऊंगी? राम जी ने कहा कि किसी का पाप बढ़ जाए वो कथा में बैठ जाए तो वहां जाकर के तुम उसकी खोपड़ी पे बैठ जाना। तो कथा सुनते समय निद्रा देवी जरूर आती है। यह निद्रा देवी आई, निद्रा देवी को देख करके भवानी जी तो सो गई और उस बिगलित अंडे से निकल करके तोते का बच्चा आया और भवानी जी हाँ जी हाँ जी ये शब्द भगवान आकर के दर्श दिखाओ भगवान आए भगवान
आज भगवान जी ने कहा कि स्वामी जी इनको निद्रा आ गई है, तोता जो है हाँ जी शब्द कर रहा है, दसम स्कंद का समापन होने वाला है। और दसम स्कंद के समापन होते ही भगवान जी की निद्रा टूटी, थोड़ा सा स्कूल में पढ़ा, निद्रा टूटी। और निद्रा टूटते ही कहा कि स्वामी जी वहां से कथा कैसे हुई मेरी समझ में नहीं आया। भोलेनाथ ने कहा कि तो सुन तो रही थी, ले मारे में सो गई, तो ये आवाज कहां से आई? हाँ जी आवाज तो बराबर आती जा रही है कि नहीं स्वामी जी मैं तो सो गई। भोलेनाथ ने नेत्र खोल करके देखा कि बिगलित अंडे से निकल करके तोते का बच्चा, हाँ जी भोलेनाथ ने कहा इसने तो अमर कथा को सुन लिया और इसको कोई नहीं मार सकता, ये तो अमर हो गया, क्यों नहीं इसको मैं ही मार दूं। और त्रिशूल हाथ में उठाया, उस तोते के बच्चे को मारने के लिए दौड़े, वो भी अपने प्राणों को बेचारा बचा करके भागा। और कैलाश पर्वत से भागते भागते जब नीचे की तरफ आया तो सबसे पहले मिलता है व्यास आश्रम, जहां व्यास भगवान की धर्म पत्नी पीटिका देवी धर्म से लिप्त होकर के स्नान बना करके अपने केशों को सुखा रही है, वाला बिस्को खिलाने वाला, सच से आघात करने वाला, इनकी गणना जो है आता ताइयों में आती है, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा जब इसके गर्भ से निकलेगा तो मैं इसको मार दूंगा। क्योंकि एक जीव हत्या करने पर कितना पाप लगता है, एक कवि ने कहा है, बोले तीन विश्वाहारे जो पंचन की बात हारी, पांच विश्वाहारे पर नारी के निहारे से, अरे सात विश्वाहारे जो वैश्य संग गबन की, नौ विश्वाहारे किसी द्रव्य को चुराने से, बारे विश्वाहारे जो बाह दे के दगा दीन, अरे सत्र भी स्वहार किसी जीव को सताने से, उन्नीस भी स्वहार जो कन्या को धान खाए, बीस भी स्वहार हर नाम के विसारे से। बीस विश्व का खेत होता है, भूमि होती, जमीन होती है, ऐसे ही भक्ति के बीस विश्व हैं तो मानव तीन विश्व को कब हार जाता है? पंचों में कहकर के बदल जाए, ये समझ लो उसकी तीन विश्वा भक्ति चली गई, लेकिन सत्रह विश्वा बची, पांच विश्वा कब हार जाता है? किसी की माता बिना पर दृष्टि डालने मात्र से पांच विश्वा भक्ति चली जाती है। तुलसीदास तो जी कहते हैं, बोले परदन पत्थर समझिए पर स्त्री मात समान, और इतने में हरे नाम मिले तो तुलसीदास जवान। दूसरे के धन को पत्र के समान समझिए, दूसरे की माता को माता के समान समझिए,
तुम्हें भगवान की भजन करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें ठाकुर के पास जाने की आवश्यकता नहीं, और स्वयं भगवान तुम्हारे पास चलकर के आना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे प्यारे, पांच विश्व भक्ति चली गई, फिर भी पंद्रह विश्व बचा, सात विश्व वैश्यवृत्ति करने से, नौ विश्व किसी के धन को चुराने से चली गई, बारह विश्व हारे, बारह विश्व कब चले जाते, किसी से कह दिया बेटी का विवाह है, तैयारी करो, 5 लाख रुपया मैं दे दूंगा। और फलदान का समय आया, भैया मेरी व्यवस्था तो भंग हो गई, मैं नहीं दे सकता। पांच विश्व भक्ति, बारह विश्व भक्ति चले गई, और सत्र विश्व चाहे चीटी को मार दो या हाथी को मार दो, सत्र विश्व भक्ति चली जाती है। शंकर जी ने सोचा कि एक जीव हत्या करने पर मेरी सत्र विश्व भक्ति चली जाएगी, जब गर्भ से निकलेगा तब मैं मार दूंगा। वही तसूल लगाया, धोनी को लगा लिया, पैगंबर को बिछा लिया, बैठ गए, निकलेगा तब मारूंगा। व्यास भगवान को पता चला बिटका देवी के गर्भ में बालक है, बालक का जन्म 9 मास में होता है, 9 वर्ष निकल गए, 12 वर्ष निकल गए, ये कैसा पुत्र। व्यास ने बिठा लेकर के कहा, क्यों तुम मां के गर्भ से बाहर नहीं आती हो, क्या कारण है? अंदर से आवाज आई, व्यास भगवान मैं बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि यहां तो मुझे परमात्मा आकर के स्वयं दूध पिलाती है, मेरे आहार की पूर्ति करती है, लेकिन प्रभु का मुझे दर्शन होता है, और बाहर आकर के तो 2 शत्रु हैं। व्यास जी का शत्रु कौन है? कि मारा सबसे पहले शत्रु आप। व्यास जी ने मत्था पीटा, किन के लिए? हम नेत्र फोड़ फोड़ करके रो रहे, और वो कहता है कि तुम मेरे शत्रु हो, कैसे? हमारा तुम्हारा पिता पुत्र का संबंध स्थापित होगा, बस यही माया का आडंबर है। माया है क्या? मामाले नहीं या माले, जो जो कुछ नहीं है वो है माया। दूसरा शस्त्र कौन है कि तुम्हारे दरवाजे पर ये भूत भावन बैठे हुए हैं, मुझे निकलते ही मार देंगे। व्यास ने कहा, तुम एक भी आडंबर नहीं सताएगा, तुम निकल करके बाहर आ जाओ। और व्यास ने जाकर के भोलेनाथ से कहा, महाराज तुम जिसके लिए बैठे हो वो मिलने वाला नहीं, उसकी तो चोरी हो गई। कैसे? एक बार क्या हुआ, एक कोई चोर किसी के घोड़े को चुरा करके ले आया, और घोड़ा चुरा करके लाया तो 2-4 दिन तो अपने पास में रखा, शायद कोई घोड़े का मालिक आ जाए, मुझे थोड़ा खर्चा दे करके ले जाए। लेकिन घोड़े का कोई लेने वाला नहीं आया, सोचा इसको मैं क्या करूं, तो बेच ही दूं। और हमारे जैसे बाड़ी के हाट बाजार में जाकर के घोड़ा खड़ा कर दिया बेचने के लिए। व्यापारी आया, क्यों भैया घोड़ा बेच रहे हो? अजी घोड़ा बिकने के लिए है, तो इसकी क्या कीमत है? और चोर को तो यही नहीं पता था कि क्या कीमत का घोड़ा है, क्योंकि खरीदे तभी तो पता चले। उसने कहा कि तुम ही बता दो। व्यापारी बोला, तुम्हारा घोड़ा तुम बताओ। कि नहीं नहीं तुम बता दो, मैं तो दे दूंगा। उसने कहा, तुम्हारे घोड़े का मैं 1 लाख रुपया दूंगा। चोर ने समझा कि जब व्यापारी 1 लाख कह रहा है तो कम से कम 2 लाख का घोड़ा तो होगा ही होगा। कांडवे 1 लाख नहीं, रुपया मुझे 2 लाख चाहिए। ग्राहक चला गया। थोड़ी देर के बाद में दूसरा ग्राहक आया, क्यों भैया घोड़ा बेच रहे हो? हाँ, कि घोड़ा बिकने के लिए, तो क्या कीमत है? कि इसकी कीमत तुम ही बता दो। कि तुम्हारा घोड़ा तुम बताओ। कि नहीं नहीं मैं बता दूंगा, दे दूंगा, तुम तो बता दो। वो बोला, तुम्हारे घोड़े का मैं 2 लाख रुपया दे दूंगा। चोर ने समझा कि घोड़ा कम से कम 4 लाख रुपए का होगा। हटवे, 2 लाख नहीं, रुपए मुझे 4 लाख चाहिए। व्यापारी चला गया। अब कोई भी ग्राहक नहीं आया, सूर्य अस्त होने वाला है। सोचा वो पहले वाला आ जाता तो मैं तो दे देता। तब तक व्यापारी आया, क्यों भैया घोड़ा बेच रहे हो? हाँ, कि घोड़ा बेच रहा हूं, क्या कीमत है? कीमत तुम ही बता दो। अरे, कि तुम्हारा घोड़ा तुम बताओ ना, मैं तो दे दूंगा। तो कब मैं बताऊंगा, तो मुझे देख तो लेने दो, कैसी कनौती है, कैसी इसकी चाल है,
चाबुक हाथ में लिया, पीठ पे बैठा, इधर को ले गया, दूसरी बार में उधर को ले गया और तीसरी बार में ऐसा चाबुक लगाया कि खट खट करते हुए लेकर के ही चला गया। एक दो घंटे इंतजार किया, समझ गया कि ये तो ले गया, सो लौट करके गांव में आया। गांव वालों ने पूछा कि क्यों भैया घोड़ा बिक गया? हाँ कि भैया बिक गया। कि क्या भाव में बिका? चोर बोला कि जिस भाव में आया था उसी भाव में गया। आज व्यास भगवान कह रहे हैं कि जिसके इंतजार में आप बैठे हुए हैं वो आपको जीवन में मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तुम बैठे रहोगे वो गर्भ से निकल करके बाहर नहीं आएगा। स्वामी जी आपकी कृपा हो जाए तो पुत्र की उत्पत्ति हो जाएगी। शंकर जी ने त्रिशूल को उठाया, पैगंबर को हटाया और तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। तो 15 वर्ष निकल गया उसके उपरांत बिटका देवी के उधर से सुखदेव भगवान प्रकट हुए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। अत्यंत ही अपने हाथ से नाल को कंधे पर डाल करके जंगल का रास्ता तय कर दिया। पुत्रे तन्मय तया तरबूय विने दुस्तम तंभो सर्वभूत हृदय मुनि मान तोस्मि। जंगल का रास्ता तय किया, पीछे पुत्रे बेटा रुको रुको रुको, लेकिन मुड़ करके नहीं देखा। देवांगना ने वृक्षों ने समझाया, निर्वस्त्र देवांगना स्नान कर रही है, बालक निकला वस्त्रों को नहीं पहना। वृद्ध महात्मा व्यास को देख करके वस्त्रों को पहनने लगी। व्यासी ने कहा देवांगनाओं, तरुणावस्था का 16 वर्ष की उम्र का मेरा बालक अभी निकल करके गया, तुमने वस्त्रों को नहीं पहना और मुझे वृद्ध महात्मा को देख करके वस्त्रों को पहन रही हो। तो महाराज आप तो सर्वस्व जानने वाले हैं, तुम्हारा बालक तो परमहंस है, उसे तो यही नहीं पता स्त्री पुरुष में भेदभाव क्या है, और तुम तो जानते स्त्री स्वरूप क्या है और पुरुष स्वरूप क्या है। इतना विलंब हुआ कि सुखदेव जी लेकर लगाए, व्यास आश्रम में लौट करके आए। इनके शिष्य थे जमदग्नि जी और व्यास जी के शिष्य हैं करनाल जी। जमदग्नि ने सोचा कि गुरु जी का बालक चला गया है और मेरे प्यारे संसार में पुत्र से बढ़कर के मोह दूसरा कोई नहीं होता। जमदग्नि जी ने कहा स्वामी जी का पुत्र चला गया है, ब्रह्म है, सो प्रणाम करते हुए कहा भूखे होंगे, स्वामी जी प्रसाद बना लूं, भंडारा बना लूं। व्यास ने कहा बेटा भंडारा तो बनाना ही है। जेमने गया, थोड़ी देर बाद लौट करके गुरु जी आज भंडारा बनाने के लिए हमारे रसोई कक्ष में लकड़ी की व्यवस्था नहीं है। व्यास ने कहा बेटा जेमने जंगल में हमारा आश्रम, लकड़ी की क्या कमी, और चुन ले आओ, बिल करके ले आओ। बालक बोला जेमनी जी ने कहा कि गुरुजी जंगल में जाने से तो मुझे बहुत भय उत्पन्न हो जाता है, डर लगता है, भय लगता है, भैया करनाल को मेरे साथ पहुंचा दो तो जंगल से लकड़ी ले आवे। व्यासिनी का बेटा करनाल को ले जाने की आवश्यकता नहीं, भागवत का एक श्लोक याद कर लो, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बस इस श्लोक का उच्चारण करते करते आप निकल जाओ, जीवन में कभी भी डर उत्पन्न नहीं होगा। बस यही श्लोक को पढ़ते पढ़ते जेमनी जी गए, मंत्र की आवाज सुखदेव जी के कानों में पहुंची, मंत्र में आसक्त होकर के दौड़ करके चले आए और प्रणाम करके सुखदेव जी ने कहा भैया ये मंत्र तुम्हारा बड़ा पवित्र है, बड़ा मनमोहक है, यह मंत्र को मुझे दोगे? जैमरी जी समझ गए कि यही हमारे गुरु जी का बालक है। उनका भैया ये तो एक मंत्र है लेकिन हमारे गुरु जी के पास ऐसे ऐसे 18,000 मंत्र है,
मैं सबको आपको दिलवा दूंगा। मंत्र में आसक्त होकर के सुखदेव जी को लेकर के व्यास आश्रम में आए। व्यासी ने देख करके छाती से लगाया, मुख चुंबन किया, मीठी मीठी मधुर वाणी से बड़ा आनंद की अनुभूति लेने लगे और बिठा लेकर के इन्होंने 18,000 मंत्रों को सुखदेव भगवान को सिखला दिया। तब सुखदेव बोले कि पिताजी अब मैं योग के लिए जाना चाहता हूं। बेटा यदि आप पहले योग में जाओगे तो अच्छा नहीं है, भजन करने से पहले चाहिए। नारे कथा ये कथा सभा जिनकी वैष्णव पद्धति के द्वारा दीक्षा संस्कार नहीं होते हैं उन्हें भजन करने से लाभ प्राप्त नहीं होता है। कल भी मैंने आपको बताया था जब तक पीपल का फल कितना भी जमीन पे गिरता रहे पर उसका बीज अंकुरित नहीं हो सकता। बीज अंकुरित कब होगा? कोई पक्षी अपनी चोंच से निगल करके अपने उदर में पचा करके विष्ठा के द्वारा बाहर गमन करेगा, जहां भी वो बीज गिरेगा वहीं पौधा बनकर के तैयार हो जाएगा। तो क्या तत्वदर्शी महात्मा से दीक्षा संस्कार लिया कि नहीं लिया? पिताजी मैंने तो किसी से नहीं लिया है। तो पहले दीक्षा संस्कार लो। तो क्या मैं आपसे दीक्षा ले सकता हूं? हाँ बेटा, पिता पुत्र को दीक्षा तो दे सकता है लेकिन पानी पीवे जान। बहुत से लोग कहते हैं कि पानी पीवे छान। तो क्या नाली के पानी को छान करके भी पिया जा सकता है? नहीं पिया जा सकता। तो पानी पीवे जान, पवित्र है क्या पवित्र है और गुरु बनावे। बिल्कुल, ये देख करके इनको गुरु बनाने से पहले ये सोचना चाहिए कि मैंने बिना सोच विचार करके बना लिया, कल मेरे हृदय में कहीं घृणा उत्पन्न हो गई तो फिर कई एक जन्म भी कल्याण होने वाला नहीं है। तो बहुत सोच करके, कहीं हमें धन के लालच से तो शिष्य नहीं बना रहा? जिन्हें देखने से मन प्रसन्न हो जाए, जिन्हें देखने से रोमांचित प्रफुल्लित हो जाए, जिन्हें देखने से मन में शांति मिले, समझ लो ये तत्वदर्शी भजनानंदी महात्मा है। और ऐसे ही संतों की शरणापन्ना पहुंच जाओगे तो जीवन में कल्याण हो जाएगा। तो पिताजी फिर मैं किससे दीक्षा लूं? मैं तो किसी को जानता भी नहीं। तो कहा बेटा एक मैंने सुना है कि राजा है और ये राजा ने कभी हाथ में दंड नहीं लिया। हर राजा अपनी प्रजा को दंड से हाथ में दंड लेकर के प्रताड़ित करता है, पर जिस राजा ने कभी भी बिना दंड लिए अपनी प्रजा को चलाया वो राजा विदेह नगरी का राजा जनक, जन्मना जनका, जनक ग्रामीणों में अग्रगण्य है। ऐसे मैंने दो ही देखे बताओ जिनका फरसे का काम है, वो तो ज्ञान की बातें करते हैं और जिनको ज्ञान की चर्चा है वो फरसा उठाते हैं। परशुराम जी ने फरसा उठाया जो ज्ञान की चर्चा करना चाहिए था और राजा जनक ने कभी हाथ में कोई फरसा नहीं उठाया, केवल ज्ञान से ही शासन को चलाया। इनका नाम विदेह, राज करते हुए विदेह भगवान के चरणों में रहने से विदेह नाम पड़ गया। उनके पास में जाओ। तो पिताजी मैं तो वहां का रास्ता भी नहीं जानता। नारद जी को साथ ले जाओ। तो नारद जी को साथ लेकर के तीन पर्वत को लांग करके और विदेह नगरी पहुंचे। ज्ञानियों में अग्रगण्य विदेह ने सोचा जनक ने कि मेरे यहां शरणापन्न होने के लिए आ रहे हैं तो शिष्य को भी पहचान करके ही दीक्षा देना चाहिए, तो इनकी परीक्षा तो कर लूं। दरवाजे पर पहुंचे, द्वारपाल ने कहा महाराज दो संत आए हुए। जनक जी ने कह दिया कि कह दो दरवाजे पे खड़े रहो, मुझे समय मिलेगा तो मैं अंदर ले लूंगा। द्वारपाल ने कहा महाराज व्यस्त हैं, अभी आदेश आएगा आप अंदर चले जाना। तो दरवाजे पे खड़े खड़े एक वर्ष व्यतीत हो गया।
जनक ने ये समझ लिया कि जिज्ञासा तो है और नहीं तो संत का दर्शन नहीं मिले, महाराज जी घंटे बाद मिलेंगे। तुरंत लोग कहने लगेंगे अरे ऐसे हजारों महात्मा हमने देखे, चाहे जिससे दीक्षा ले लेंगे, बताओ मिलने कोई फुर्सत नहीं है तो क्या दीक्षा लेंगे। जिज्ञासा नहीं है, लेकिन इनको जिज्ञासा निकली। एक वर्ष हो गया अंदर लिया, लेकिन कहीं काम पे पास आता नहीं है। अब इसकी परीक्षा कैसे ली जाए, तो तुरंत ही एक झूला डलवाया और झूले में प्यारे सुखदेव भगवान नारद जी को बिठा दिया। सुनेना से कहा कि 1000 सखियों को लेकर के साथ बैठ जाओ। सुनेना जी जैसे ही झूले पे बैठी के धीरे धीरे नारद जी ने खिसकना प्रारंभ कर दिया। नारद जी सोच रहे हैं कि किसी की स्त्री का शरीर अपने शरीर से स्पर्श करता है, केवल स्पर्श करने पर उसकी 12 वर्ष की तपस्या नष्ट होती है, ऐसा मैंने संतों के मुखारविंद से सुना है। तो किसी स्त्री का शरीर मेरे शरीर से स्पर्श न हो जाए। धीरे धीरे नारद जी खिसकने लगे, लेकिन सुखदेव जी तो वैसे के वैसे ही बैठे रहे। कभी सखियां उनके कंधे पर हाथ रखती हैं, आलिंगन करती हैं, लेकिन सुखदेव जी को कोई भान नहीं। जनक जी समझ गए कि खिसका खिसकी की भावना है, तो समझ लो कि इनको काम पिपासा है। और इसे यही नहीं पता कि पुरुष है या महिला, तो उसको काम पिपासा भी नहीं, तो इसको काम पिपासा नहीं है, जिज्ञासा भी है, तो क्यों नहीं शरणापन्न किया जाए। और सुखदेव जी को बिठा लेकर के पूछा क्या चाहते हो। बस महाराज ये बता दो मैं योग करना चाहता हूं। बेटा पहले भोग करिए और भोग करके आप योग करोगे तो आप पथ से च्युत यानी पथ से अलग नहीं हो सकते हो। और कहीं पहले योग में चले गए जवानी मद है, जवानी आ गई अब पद से च्युत हो गए, अलग हो गए, तो इधर के न उधर के। बेटा पहले भोग दीक्षा संस्कार किया। जनक जी की गुरुदेव भगवान की आज्ञा को मान करके इन्होंने विवाह किया, तो पितीसरों की कन्या सौभाग्यवती पीवरी देवी के साथ विवाह संस्कार करके 4 बेटा उत्पन्न किए। सबसे बड़े गौर प्रभु, उनसे छोटे गौर कष्ट, उनसे छोटे भूरी, और सबसे चौथे नंबर के थे देवश्रता। और एक कीर्ति नाम की कन्या को इन्होंने प्राकट किया। अब पिताजी से कहा, पिताजी के पास में आकर के स्वामी जी अब तो मैं जा सकता हूं, बस गुरुदेव भगवान का वर्णन करते हुए कैसे सुगम बताई रे सदगुरु ने डगरिया, कैसी सुगम बताई रे सदगुरु ने डगरिया, गुर